हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की बेटा सेवन्थ क्लास की वर्कशीट है। ठीक है बेटा, वर्कशीट का जो नंबर है वो है 28 और हमारा जो डेट है वो है 27 जनवरी 2021। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लेना। तो चैप्टर चल रहा है लाइट प्रकाश। अब हम समझते हैं कि व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, कि जब आप अपनी जो इमेज है प्लेन मिरर में, जैसे आप कभी तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, तो अपने आप को देखते हैं मिरर में, इज़ इट एग्जैक्टली लाइक यू, कि क्या ये आपको एग्जैक्टली आप है, एग्जैक्टली लाइक यू आपकी तरह दिखता है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन मिरर, कि आपने अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा होगा कि इसमें एक जो है आपकी इमेज में और आप में एक जो है डिफरेंस होता है राइट एंड लेफ्ट का। किसका राइट एंड लेफ्ट? अगर ठीक है, पहले पढ़ते हैं। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट इन द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट इन द इमेज, के अगर आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपको जो मिरर में दिखाई वो राइट हैंड लगता है। अगर आप राइट हैंड उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, कि ये काम कर रहे हैं। तो ये जो वन इंटरचेंज है राइट और लेफ्ट का, ठीक है, ये आप अगर आपने नहीं किया है तो इसको करके आप प्लीज़ इसको देखना, क्योंकि ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे को देखो, इसने क्या है अपना जो है इसने लेफ्ट हैंड उठा रखा है, लेकिन जो मिरर में लग रहा है कि इसने राइट उठा रखा है। ठीक है, तो ये आप गौर करके अपने आप भी आप देख सकते हैं। हम क्या एक्टिविटी पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक्ड एट योर इमेज, के आप क्या एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपनी इमेज को देखें। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना क्या है लेफ्ट हैंड ये वाला उठाएं। विच हैंड डज योर इमेज राइज, की जो आपकी जो इमेज है वो कौन सा आपको उठा के दिखाई दे रहा है। नाउ होल्ड अ बुक, ये कौन सा दिखाई दे रहा है राइट। नाउ होल्ड अ बुक इन टू योर राइट हैंड एंड ऑब्जर्व विच हैंड होल्ड बुक इन योर इमेज, क्या आप क्या है अपने लेफ्ट हैंड में अपना बुक को क्या अपने राइट हैंड में लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए अपनी इमेज में। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट ईयर अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, कि आपको इमेज में ऐसा लगता है कि अगर आपने राइट उठा रखा है तो आपको लगता है लेफ्ट उठा रखा है, अगर आपने लेफ्ट उठा रखा तो आपको जो अपीयर होता दिखता है वो लगता है आपको राइट उठा रखा है। तो ये बेटा आप अभी करके देखना, इसको पॉज करो ये क्या है वीडियो को और देखो। अब ये पढ़ते हैं कि राम saw a vehicle on which the word ambulance is written as in the picture, कि जो राम है उसने एक व्हीकल पे क्या है एम्बुलेंस लिखा देखा। ठीक है, इज रिटन एज इन द पिक्चर, जैसा जैसे पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है। राम आस्क्ड क्वेश्चन टू विच द टीचर रिप्लाइड दैट व्हेन द ड्राइवर इन अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स इन हीज एंड हर रियल व्यू इमेज शी एंड ही कैन रीड रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू ये, तो उसकी टीचर ने बताया कि जो ये एम्बुलेंस है ये जो क्या है इस पर उल्टा लिखा है, लेकिन जब इसके सामने क्या है एक जो कार होगी, ठीक है, ये क्या होगी एक कार होगी, उसके यहाँ पे क्या है एक शीशा लगा होता है, दोनों तरफ आपके ये कार के शीशा लगा होता है, तो शीशे में जो ये एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा है इसकी इमेज इस पर पड़ेगी, लेकिन क्या है इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या है सीधी बनेगी, तो वो क्या है वो पहचान जाएगा कि एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस आपको पता ही है एम्बुलेंस क्या होता है, जो बीमार को क्या है जो बीमार को क्या है हॉस्पिटल तक लेके जाती है, तो उस ठीक है ना, तो इसकी इमेज जब पड़ेगी तो वो उसको क्या है जाने के लिए रास्ता दे देगा, इसलिए ही क्या है वो उल्टी लिखती है। अगर यहाँ पे ये जो सीधी लिखी होती तो वो क्या है वो जब मिरर पे पड़ती तो वो उल्टी पड़ता, तो शायद क्या पता वो पढ़ ना पाता, इसलिए ही इसको क्या है हम उल्टा लिखते हैं। नोट, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे, ये हमारी क्या है ड्यूटी है कि हम जब एम्बुलेंस हम देख रहे हैं कि आ रही है तो हम उसको क्या है रास्ता दे दें विदाउट ब्लॉकिंग, ये नहीं कि हम उसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसमें पता नहीं किसका किसी ना किसी का तो परिजन होगा ही, ठीक है, और वो पता नहीं कौन सी कंडीशन में होगा, क्रिटिकल में होगा, कैसे में होगा, तो हमें क्या है विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे हमें क्या है उसको हमें रास्ता दे देना चाहिए। ठीक है, आप ये बात को हमेशा याद रखें और ये बात को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन पे आते हैं अब हम कि
सिंपली राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, के अपना जो नाम है एक पेपर पे लिखो. होल्ड इट इन अ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड हाउ इट अपीयर्स इन द मिरर, कि अब अपीयर में कैसे लिखेगा. आप भी करके देखें, जैसे मेरा नाम क्या है, रानी है मेरा नाम, रानी. मैंने यहाँ पे क्या है, मिरर लगा दिया, तो मेरा जो नाम है वो कैसा दिखाई देगा, आई पहले आएगा, फिर क्या है एन बनेगा, एन ऐसे बनेगा उल्टा, ए सेम रहता है और आर बनेगा ऐसा. ठीक है, ये आप करके देखना इसको बच्चों. जो भी आपका नाम है प्लेन मिरर प्ले एक कागज़ पे लिखना और उसके यहाँ पे क्या है मिरर लगा देना, फिर अपना नाम को देखना. ठीक है, जैसे मैंने दिखाया आपको. दूसरा क्वेश्चन है कि आर साइड्स इंटरचेंज और इमेज अपीयर्स अप्स एंड डाउन और लुकिंग इनटू द मिरर, कि ये कह रहा है कि जो साइड है आपकी क्या वो चेंज होती है या आपकी इमेज भी क्या ऊपर नीचे हो जाती है. ठीक है, जैसे आप इस मिरर में देख रहे हैं आपकी साइड तो चेंज हो रही है, आपको लेफ्ट का राइट दिख रहा है, लेकिन क्या आपका जो सिर है आपको नीचे दिखाई दे रहा है इमेज में, नहीं ना. तो सिर्फ हमारी क्या है, सिर्फ हमारी जो साइड्स होती हैं वो चेंज होती है. हमारा क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखेंगे, कि ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, कि जो हमारी साइड्स होती है सिर्फ वो ही क्या है इंटरचेंज होती है, नॉट इमेज, नॉट इमेज के इमेज नहीं. ठीक है, सिर्फ हम इतना भी लिख सकते हैं कि ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, या पूरा लिख देंगे ओनली साइड्स आर इंटरचेंज नॉट इमेज. ठीक है, तो हमारे ये मैंने आपको करके दिखा भी दिया है, बता भी दिया है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी जो है साइड्स चेंज होती है, इमेज नहीं. इमेज तो आपकी सेम है, आपका सिर ये है यहाँ पे है तो ये आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड आउट द लेटर्स इंग्लिश लेटर अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ मिलेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली लाइक अ लेटर अपीयर इट्सेल्फ. अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट लिखा है और आप मिरर में देखते हैं तो उसका वो क्या है आपको सेम टू सेम दिखना चाहिए. तो वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट है, सबसे पहले क्या है, ए आई एच ओ एम टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई. अगर आप इन वर्ड्स को इन अल्फ़ाबेट को एक प्लेन मिरर पे लिखो और उसके आगे क्या है एक अपना प्लेन मिरर लिखो, तो आपको सेम टू सेम यही अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे, ये उल्टे आपको दिखाई नहीं देंगे. ठीक है, यहाँ पे अपना मिरर लिखना और देखना, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी. तो बच्चे लाइक का बटन दबाएँ, साथ में जिस बच्चे ने अभी तक आप अपना चैनल SRS लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. और हमने इंग्लिश की वर्कशीट भी डाल दी है, प्लीज़ वो भी देख लेना. मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ. हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बच के रहिए. बाय बच्चों.